करता हूँ आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं और लगातार इसे शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, ये बात जानकर मुझे खुशी होती है। फटाफट आज फिर से मैं पिछले वीडियोज में जैसे ही आपको डिस्कस किया हूँ, आज भी इस वीडियो के माध्यम से आपको केमिस्ट्री की अगली जो स्टेप है उसमें लेके चलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म की अगला स्टेप। पिछला वीडियो कुछ इंटरप्ट हुआ था टेक्निकल इशू की वजह से, उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसी के आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा कुछ ऐसी होगी कि रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम लोग जो पिछले टर्म में बात पढ़ने वाले थे कि इंटरमीडिएट क्या होते हैं। मित्रों, इंटरमीडिएट क्या होते हैं इसी बात को हम लोगों ने जाना था। इंटरमीडिएट किसी भी रिएक्शन में वह स्टेज होती है जो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए या रिएक्शन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेसेज होती है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। आपके लिए मैं बता भी चुका था, इंटरमीडिएट वो होते हैं जो वेरी रिएक्टिव होते हैं, इंटरमीडिएट वो होते हैं जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इंटरमीडिएट वो होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। कुछ ऐसी ही बातें, इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट होते हैं और आपको बताया भी गया था चार्ज्ड भी होते हैं, कभी कभी चार्ज नहीं भी होता है, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट को मीन्स अनस्टेबिलिटी होती है उनके अंदर। सो ये इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं इस पर कल हमने आपसे चर्चा की थी, फिर से मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। इनको हम फ्री रेडिकल कहते हैं, इनको हम कार्बोकटायंस कहते हैं, इनको हम कार्बेनायंस कहते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं, इनको हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं, इनको हम कार्बिन्स कह सकते हैं, इनको हम नाइट्रेंस कहते हैं। ये सभी हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम से जाने जाते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब बेटा है कि ये वो स्टेट है रिएक्शन की जिसमें स्पीसीज हाईली रिएक्टिव स्पीसीज बनती हैं और इन रिएक्टिव स्पीसीज के माध्यम से रिएक्शंस को प्रोसीड होना होता है। जब तक ये नहीं बनती, मीन्स आप ऐसे कह लीजिए कि केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन विदाउट इंटरमीडिएट नहीं होती है, मीन्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन से पहले ईच ऑफ द रिएक्टेंट गोज टू इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन हाईएस्ट रिएक्टिव स्टेट दैट विल बी द एक्साइटेड स्टेट एंड बी रिएक्टिव एंड पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस गिव्स द रिजल्ट। आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है, गुड प्रोडक्ट फाइंड करना है, अच्छा प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो उनके बीच में एक स्टेट ऐसी आती है जो रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाता है। चूँकि ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, क्योंकि हमने ये भी कहा था कि स्टेबल कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं होती है, अनस्टेबल होना होता है मॉलिक्यूल को। किसी भी रिएक्शन में जाने से पहले मॉलिक्यूल को पहले अनस्टेबल होना होता है। ऐसा भी कह सकते हैं जो जितना ज़्यादा अनस्टेबल होता है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। अनस्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द स्पीसीज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा, मीन्स चार्ज जब तक रहेगा तब तक वह रिएक्टिव भी रहेगा। आइए दोस्तों, फिर से मैं बात करता हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। मेरी आपसे अपील है, आप वीडियो पर बने रहिए लगातार और हमारे साथ चैप्टर को इन्जॉय करते रहिए। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो फ्री रेडिकल होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री रेडिकल एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं और इन रिएक्शन इंटरमीडिएट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अर्थात ऑड इलेक्ट्रॉन अर्थात ऑड, अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, ऑड का मीन्स
जो दो से डिवाइड ना हो, मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर, बाकी हैं इलेक्ट्रॉन, खाली एक इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंस शेल में और भी इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जिसके कारण रिएक्टिविटी हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड नहीं है, जिसके कारण ही फ्री रेडिकल्स रिएक्टिव हो जाते हैं। सो फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं, ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी। कंडीशन हमारे पास फ्री रेडिकल बनने के लिए, कंडीशन लाइट का होना चाहिए, पोलर कंडीशन होना चाहिए, और इसके साथ ही यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन का सेंस लगाइए कि हर सीएल एटम के पास 3 लोन पेयर होता है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन और था, यह आपस में शेयरिंग करके, म्यूचुअल शेयरिंग करके सीएल सीएल बॉन्ड बनाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये आधा इलेक्ट्रॉन एक ये, सो जो ऐसी बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच रहा हूँ, इसका ये सेंस होता है कि हम बॉन्ड को ब्रेक करा रहे हैं। और हाफ हेडेड एरो बनाया है, हेड देखिएगा, जो एरो हमने शो किया है, दैट विल बी द हाफ हेडेड। और हाफ हेड का मतलब आधा तीर, का मतलब एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने अपने पेरेंट एटम के पास चला जा रहा है। इसका मतलब इस सीएल के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और 7 दो से डिवाइड नहीं होंगे, आप चेक कर लीजिएगा, इसीलिए हम इसको ऑड इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीसीज कहते हैं। तो ये स्पीसीज जो बनी हमारी, इसी को हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं, फ्री रेडिकल। तो एक यह स्पीसीज बन गई, और इस प्रोसेस को ही हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, इस पूरी प्रोसेस को हम होमोलिसिस भी कहते हैं, अब बात आती है, ये तो हुई स्पीसीज, अब कार्बन का फ्री रेडिकल कैसे बनता होगा। सपोज़ दैट यहाँ पर हमारे पास CH4 है, और इस CH4 पर जब ये Cl डॉट रिएक्शन करने आया, तो बेशक यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड में दो ही इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, और इन दो इलेक्ट्रॉन्स में ये वाले भी बॉन्ड टूटेगा। इसके लिए मैं अभी एक चीज़ आपको बता दूंगा कि फ्री रेडिकल, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, फ्री रेडिकल सिर्फ फ्री रेडिकल से ही रिएक्शन करता है, कंबाइन करता है, और यहाँ पर हमें कार्बन का फ्री रेडिकल मिल जाता है। आपने देखा होगा सीएल फ्री रेडिकल अगर ना बनता तो CH4 भी CH3 फ्री रेडिकल में चेंज ना होता, और जब CH3 की बॉन्ड CH4 CH3 में चेंज नहीं होता तो आगे की फिर ये CH3 अनस्टेबल नहीं बनता, मींस यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बन गया और यह अनस्टेबल हो गया, क्योंकि बॉन्डिंग टूट गई इसकी, अनस्टेबल हो गया, इसका मतलब ये रिएक्टिव हो गया, अब ये रिएक्शन कर रही है। कहने का मतलब एक रिएक्टिव बॉडी दूसरी रिएक्टिव बॉडी को, दूसरी नॉन रिएक्टिव बॉडी को रिएक्टिव बनाती है, और इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये लीगल लैंग्वेज नहीं है कि ऐसे होता है कुछ, जब हम बात समझनी होती है तो हम अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा डाउन करते हैं और उसको पहले हम समझते हैं। समझने के लिए हमने ये बात करी कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, बेसिकली जब इनके स्ट्रक्चर्स की कोई बात करेगा तो जो फ्री रेडिकल्स के स्ट्रक्चर हैं वो एक अनहाइब्रिडाइज्ड, इसमें पी ऑर्बिटल होता है जिसमें यह ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी ये हमारे पास यह। तो जब ये ऑड इलेक्ट्रॉन, कैसे इसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं हम लोग, किस तरह से इसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं, कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये यहाँ पर हाइब्रिडाइज अनपेयर्ड अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच डीलोकलाइजेशन हो जाता है। जितना ज़्यादा ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज्ड होगा, इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मीन्स यहाँ का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये इसका शेप है, कार्बन फ्री रेडिकल का ये शेप नज़र आता है आपको। खैर, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको एक और कर लेते हैं, कल भी करी थी इसीलिए थोड़ा सा जल्दी में भी कर रहे हैं, कि जो स्टेबिलिटी है वह फ्री रेडिकल्स के केस में टर्शरी फ्री रेडिकल,
सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स। इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ ऐसा होता है। स्टेबिलिटी इसके बाद भी है, जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे एलाइल फ्री रेडिकल, और आगे बढ़ेंगे बेंजाइल फ्री रेडिकल, ये सारी बातें हम लोग जान लेंगे। एलाइल इसके भी आगे जाएंगे तो वो बेंजाइल हो जाएगा, मीन्स इसके भी आगे अगर हम जाएं तो ये बेंजाइल फ्री रेडिकल होगा। दूसरी चीज़ एक इससे भी ज़्यादा फिनाइल फ्री रेडिकल होगा, डाई फिनाइल फ्री रेडिकल होगा, और आगे चले जाएंगे ट्राई फिनाइल फ्री रेडिकल होगा। दैट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। इसका भी आप सेंस लगा के रखिएगा। किसी भी मॉलिक्यूल में जो स्टेबिलिटी होती है, किसी भी स्पीसीज में जो स्टेबिलिटी होती है कैसी होती है, वह रिएक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स स्टेबिलिटी ऑलवेज बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। अब आइए दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आपको हमारी बात भी समझ में आ रही होगी। मैं ज़रूर आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियोस को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देंगे। इसी के साथ ही हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। हमने स्टेबिलिटी को कन्फर्म कर लिया। स्टेबिलिटी कन्फर्म करने के साथ हमने बेंजिल फ्री रेडिकल की भी बात कर ली, हमने फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन की भी बात कर ली, हमने अब अगला जो हमारा टारगेट होता है फ्री रेडिकल के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस न करते हुए, क्योंकि हम पिछले वीडियोस में भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, अब हम अगले इंटरमीडिएट को उठाते हैं। और अगला इंटरमीडिएट हमारे पास होता है कार्बोकेटाइन। अगला हमारे पास जो इंटरमीडिएट होता है वह होता है कार्बोकेटाइन। दोस्तों कार्बोकेटाइन का मतलब कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, दैट इज़ कॉल्ड कार्बोकेटाइन एंड ऑल्सो इट इज़ नोन एज कार्बोनियम आयन। और हिंदी वाले बच्चे मैं फिर कहूँगा उनसे कार्ब धनायन, कुछ नहीं उसमें खास है, कार्ब धनायन। कार्बन के ऊपर धन मीन्स पॉजिटिव के चार्ज, अगर कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला है तो उसे हम कार्ब धनायन या कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन या उसका सिंबल है हमारे पास C+। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, जिसके कारण ही यह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, शॉर्ट लिव्ड, अनस्टेबल और चार्ज्ड भी है। इसी के कारण हम इसे रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कार्बन इसका पॉजिटिव चार्ज का है और इसके जो सेंट्रल एटम कार्बन है उसमें ओनली देर आर 6 इलेक्ट्रॉन और द कार्बन ऑफ द कार्बोकेटाइन इज हैविंग ओनली द सेक्स्टेट इन इट्स वैलेंस शेल, दैट्स व्हाई एंड इट इज़ अनस्टेबल एंड ऑलवेज बी फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिसिस। बनने की बात की जाती है तो हम ये कह पाते हैं कार्बोनियम आयन जब भी ऐसी कोई बॉन्ड होगी, सपोज दैट यहाँ पर इस तरीके का CH3Cl लिखा हुआ है, जब हमने यहाँ पर कंडीशन पोलर डाली, अगर हमें लग रहा है कि हमने फ्री रेडिकल के केस में नॉन पोलर कंडीशन नहीं डाली हो तो वहाँ नॉन पोलर कंडीशन लिखिएगा, ये हमने गलत लिख दिया होगा। तो ये पोलर कंडीशन है यहाँ पर, और पोलर कंडीशन का मतलब भी होता है प्लस माइनस कंडीशन में। प्लस माइनस कंडीशन में होगा क्या, ये एटम हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उनको कहा जाता है जिनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी
ज़्यादा होती है। मीन्स द एटम्स हैज़ टेंडेंसी टू लू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूअर्ड सेल्फ एंड गेट नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इन एटम्स को हम बियॉन्ड द सिलेबस एक ऐसे भी कहते हैं, ये वो एटम होते हैं जिन्हें चूना लगाने वाला कहा जाता है। चूना लगाने वाले का सेंस होता है यह जब भी किसी के साथ जुड़ते हैं, या जब भी किसी के साथ बॉन्डिंग करते हैं, या जब भी किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो बेटा ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो म्यूचुअल शेयरिंग तो करते हैं, लेकिन ऐसा शेयरिंग करते हैं जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ही खींचे रखते हैं और अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव अर्थात अपने आप को पोलराइज रखते हैं। मीन्स इनके साथ बनने वाली बॉन्ड कभी भी स्टेबलाइज नहीं होती है यदि इनके जैसा ही कोई एटम इनके साथ नहीं जुड़ा है। अगर कोई एटम इनके साथ ऐसा जुड़ा है जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे कम है, तो यह उस साझे को, उस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट रखते हैं, इसलिए हम इनको चूना लगाने वाले एलिमेंट कहते हैं। ये वो वाले एलिमेंट होते हैं जब भी ये किसी के साथ बॉन्डिंग करते हैं अपनी तरफ ही इलेक्ट्रॉन, मीन्स बेईमान टाइप के एटम होते हैं। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की खास बात क्या है कि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है और यहाँ पर ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दोस्तों फिर से एक ध्यान दीजिएगा कि ये इनिशिएटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होता है कि जो कर्व्ड एरो हम लोग बनाते हैं, कर्व्ड एरो का सेंस होता है होल ऑफ दी जो बॉन्ड है, हमारे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, दे विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स दोज। इस कर्व्ड एरो का सेंस यही होता है कि इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टिंग टूवर्ड्स दोज विच साइड। सो जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी तरफ चले जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव मीन्स धन आयन और एनायन, इसलिए इनको हम कैटायन और एनायन भी कहते हैं, कैटायन और एनायन भी कहते हैं। सो इनको हम यहाँ पर ये जो बन गया देखिए C प्लस के ऊपर चार्ज है, इसलिए हम इसे कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। सो ये स्पीसीज हमारी कार्बोकैटायंस हो जाती है। इस तरह से हमारा ये कार्बोकैटायन तैयार हो जाता है। कार्बोकैटायंस भी प्राइमरी हो सकते हैं, मीन्स कार्बोकैटायंस भी 1 डिग्री अर्थात CH3 प्लस, 2 डिग्री मीन्स C प्लस एंड CH3 इसके ऊपर प्लस, एंड 3 डिग्री मीन्स एक कार्बन जिसके ऊपर प्लस, उसके तीन तरफ से और कार्बन जुड़ा हुआ है, दैट विल बी 3 प्लस। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायंस। एंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर, दैट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी कैसी होती है? टॉप टू बॉटम मीन्स प्राइमरी कार्बोकैटायन कम स्टेबल होता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसकी हमने कारण कल एक्सप्लेन की थी आपसे, अगर नहीं की थी तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसके कारण बन सकते हैं हाइपर कंजुगेशन कारण हो सकता है। इसके लिए कारण हमारा प्लस आई इफ़ेक्ट कारण बन सकता है। और दोस्तों बने रहिए, लाइक करते रहिए, प्लस आई इफ़ेक्ट हो सकता है, और हमारे लिए यहाँ पर स्टेरिक हिंडरेंस कारण बन सकता है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है हमारे कार्बोकैटायंस में, या तो उसका कारण हाइपर कंजुगेशन होगा, या प्लस आई इफेक्ट होगा, या स्टेरिक हिंडरेंस होगा। दोस्तों जो हाइपर कंजुगेशन है, जो प्लस आई इफेक्ट है, जो स्टेरिक हिंडरेंस है, इन कॉन्सेप्ट्स को भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे आपसे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो कार्बोकैटायंस होते हैं 1 डिग्री के कार्बोकैटायंस, मीन्स आप फिर से, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को, मैं फिर से एक बार आपको ये टॉपिक फिर से कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देता हूँ, आप जल्दी से सुन लीजिएगा। कार्बन विद
पॉजिटिव चार्ज नोन एज कार्बोकेटायन, ऑल्सो नोन एज कार्बोनियम आयन, एंड हिंदी में कार्ब धनायन भी कहते हैं। कार्ब धनायन, धन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। इनके जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है सेक्स्टेट भी कहा जाता है, इसे सेक्स्टेट होता है, और इसी को हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी कह सकते हैं। ये हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ऑक्टेट का मतलब हम ये भी जानते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन का रूल। फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिसिस, हम हेट्रोलिसिस समझते थे, हमें याद है हेट्रोलिसिस का सेंस था कि बोथ द सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज इन ए वन एंड स्पीसीज आर फॉर्म्ड एज, जिन स्पीसीज ऐसी प्रोसेस जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बने वो हेट्रोलिसिस ही होगी। हेट्रोलिसिस के लिए कंडीशन पोलर होनी चाहिए। कार्बन के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो साझे के इलेक्ट्रॉन थे आपने यहाँ चेक किया हुआ है, ये जो दो कार्बन के बीच, कार्बन और सीएल के बीच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये भाई साहब किसी एक के पास चले गए, और किसी एक के नहीं, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है उसके पास चले गए हैं। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम कार्बन और सीएल में सीएल होता है। अभी हम बहुत जल्द आपके लिए पीरियोडिक टेबल लाने वाले हैं और वहाँ पर हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ और उनकी ट्रेंड और उनके सिंबल और ट्रिक्स, उनकी क्या कैसे बहुत आसानी से हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। याद करना क्या होता है कि मैं सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के लिए नहीं आपको दे रहा हूँ, आपको कंटेंट अच्छा मिले, आपको मटेरियल अच्छा मिले। हो सकता है बोलते समय कहीं मिस हो जाए कोई कॉन्सेप्ट, लेकिन ऐसा नहीं होगा हम आपको गलत पढ़ा के चले जाएँ। हम आपको जो भी बताएँगे पूरी अथेंटिकसिटी के साथ, जो भी बोलेंगे वो अथेंटिक होगा, मटेरियल क्वालिटीफुल होगा। आइए, सो जो यहाँ पर पोलर कंडीशन डालेंगे तो कार्बोकेटायन बनेगा, और वो जो कार्बोकेटायन्स होंगे वो प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शियरी हो सकते हैं, इसके बाद और भी लोग हो सकते हैं। एलाइल कार्बोकेटायन हो सकता है, बेंजिल कार्बोकेटायन हो सकता है, फिनाइल कार्बोकेटायन हो सकता है, डाईफिनाइल कार्बोकेटायन हो सकता है, ट्राईफिनाइल कार्बोकेटायन हो सकता है। मीन्स ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसकी नेचर के आधार पर हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं। इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ये आपने लिखा हुआ है, दैट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। मीन्स ऐसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, मीन्स इट विल बी कम एंड दैट विल बी मोर मोर मोर। मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं, दैट विल बी इंक्रीजिंग, स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग। एंड ऑल्सो यू हैव द कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी ऑलवेज बी, आप फिर से समझिए, रिएक्टिविटी। अगर मैं इनकी रिएक्टिविटी की चेक करूँ तो रिएक्टिविटी क्या होती है, आपने अभी भी पढ़ा है सर, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। आपने ये चीज़ जानी है, रिएक्टिविटी ऑलवेज बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मीन्स यहाँ का जो ऑर्डर होगा आपके पास वो इस तरह से होगा, ये ज़्यादा ये कम, इस तरह से। मीन्स यहाँ जो ऑर्डर होगा आपके पास वो कैसा होगा, इस तरीके का। मीन्स जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, प्राइमरी कार्बोकेटायन ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू टर्शियरी कार्बोकेटायन। प्राइमरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू टर्शियरी कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी का कारण हाइपर कंजुगेशन, प्लस साइड इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। नमस्कार, अब मैं आपसे ज़रूर एक बार फिर से अपील करता हूँ दोस्त, हम आप हमारे वीडियोज़ को पसंद तो कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको और सब्सक्रिप्शन दीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और लाइक दबाना कतई नहीं भूलें।